हाय, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेनोसाइड 4 टैबलेट के बारे में बताऊंगी। बेनोसाइड 4 टैबलेट जिसको कि मैन्युफैक्चर किया है गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन नामक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने। बेनोसाइड 4 टैबलेट के अंदर होता है डाई इथाइल कार्बामेजिन। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि बेनोसाइड 4 टैबलेट का यूज़ क्या है। बेनोसाइड 4 टैबलेट का जो मुख्य इस्तेमाल होता है वो होता है वार्म इन्फेक्शन यानी कि कृमि संक्रमण के इलाज में, दूसरा फाइलेरिया, इसके अलावा ईओसिनोफिलिया के ट्रीटमेंट में भी बेनोसाइड 4 टैबलेट को दिया जाता है। वार्म इन्फेक्शन यानी कि कृमि संक्रमण के इलाज में ये बेनोसाइड 4 टैबलेट क्या करता है, देखिए जो वार्म इन्फेक्शन काज करने वाले पैरासाइट होते हैं ना, परजीवी, उनको मार के उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करके ये अपना काम करता है। इसके अलावा फाइलेरिया में क्या करता है, फाइलेरिया जो होता है वो धागे जैसे दिखने वाले राउंड वार्म नामक पैरासाइट से होता है, और ये जो पैरासाइट होता है ये मच्छरों के अंदर होता है और मच्छरों के काटने की वजह से इंसानों में आता है। तो यहाँ पे जो बेनोसाइड 4 टैबलेट है ना वो क्या करता है कि जो यहाँ पे नवजात पैरासाइट होते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं और जो वैक्स बड़े पैरासाइट होते हैं दोनों को मार के अपना काम करता है। बेनोसाइड 4 टैबलेट के साइड इफेक्ट हैं नोजिया यानी कि जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, इसके अलावा चक्कर आना। और ये बेनोसाइड 4 टैबलेट लेते समय कुछ लोग एक गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि उनको जो डोज बताई जाती है बेनोसाइड 4 टैबलेट की, जो ड्यूरेशन बताई जाती है, वो क्या करते हैं कि जब उनका थोड़ा सा ठीक हो जाता है ना बीमारी तो वो उस डोज को फॉलो नहीं करते, उस ड्यूरेशन तक उस मेडिसिन को नहीं लेते। और अगर आप ये गलती करते हैं ना कि जितनी डॉक्टर ने आपको डोज बताई थी मेडिसिन की, एक ड्यूरेशन बताई थी, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि जो आपका इन्फेक्शन है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर जल्दी ठीक ही नहीं होगा। तो ऐसा ना करें, जितनी आपको डोज बताई गई है मेडिसिन की, जितना ड्यूरेशन बताया गया उस ड्यूरेशन तक मेडिसिन को लें। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।